हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, विंटर चल रहा है और इस समय आंवला बहुत ही ज्यादा आता है और आंवला सर्दियों में खाना भी चाहिए, तो आज हम आपके लेके आए हैं आंवला कैंडी। बिना छीले बिना उबाले फटाफट से आंवला कैंडी तैयार कर लेंगे। आइए आंवला कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो आंवले। ये घर के पेड़ के तोड़े हुए हैं और देखिए कुछ आंवले तो एकदम साफ हैं और सही हैं, बाकी कुछ आंवले क्या है जमीन पे गिरने से दाग लग गए हैं। तो आज हम आंवला कैंडी बनाएंगे और जो दागी वाला जो पार्ट है इसको हम हटा देंगे। पर सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक पॉलिथिन बैग लिया है, इसमें सभी आंवलों को डाल देंगे और 2 दिन के लिए फ्रीजर में रख देंगे। इस तरह से टाइट करके हम बैग को बांध देंगे। 2 दिन हो गए हैं, हमने आंवलों को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। पॉलिथीन को हटा देंगे और आंवलों को पॉलिथीन से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो आंवला है वो एकदम से टाइट हो गया है, बर्फ जम गई है और कलियां एकदम अलग अलग नजर आ रही हैं। अब हमें इसको पानी में डाल देना है ताकि ये नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने में तकरीबन आधे से 1 घंटा लगेगा, हम इनको नॉर्मल कर लेंगे। लगभग 1 घंटे पानी में आंवलों को रखने के बाद हमने निकाल लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया से हमारे आंवले तैयार हुए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब हमें इसका जो ये वाला पार्ट है दाग वाला, इसको हटा देना है। इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप छीलने वाला चाकू लें और इससे इस तरह से हल्का सा छील दें। बस जितना सा खराब है उतना सा ही पार्ट हटाना है, सारे आंवले को हमें नहीं छीलना है। ये देखिए जो दाग वाला पार्ट था वो मैंने हटा दिया है और जिसमें ज्यादा दाग है उसको हम चाकू से काट के हटा देंगे। अब हम इसकी कलियों को चाकू की सहायता से अलग कर लेंगे। आज जो हम आंवला कैंडी बनाने जा रहे हैं इसमें हम आंवले को उबालेंगे नहीं, बिना उबाले ही हम इसकी कैंडी तैयार करेंगे और ये भी बहुत अच्छे से तैयार होती है। इसको भी हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए इसी तरह से सारे आंवलों की कलियां हम अलग कर लेंगे और जो खराब पार्ट है वो मैंने हटा दिया है। यहाँ पे इसमें खराब था ये मैंने छील करके हटा दिया है। ये देखिए हमने इस तरह से कलियां अलग कर ली हैं। आज हमने आंवले की कलियों में फॉक्स से भी हमने छेद नहीं किए हैं। आज हम इसको बिल्कुल इसी तरह से नेचुरल तरीके से कैंडी तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी आंवले की कलियां अलग कर ली हैं और जो दागी पार्ट है उसको हमने हटा दिया है। जहां हल्का फुल्का सा दाग था वो मैंने छील के हटा दिया है, बाकी मैंने इस तरह से देखिए कट करके निकाल दिया है। आंवला कैंडी बनाने जा रहे हैं। आंवले हमारे सारे तैयार हैं। देखिए कलर भी कितना बढ़िया से हमारे आंवले का तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही जूसी आंवले हैं। इसको हम एक प्लास्टिक के बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो हमारे दागी वाले आंवले हैं जो मैंने अलग निकाले हैं इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं सुखा दूंगी और सुखा के इसका पाउडर तैयार कर लूंगी। तो अगर आप बालों में मेहंदी लगाते हैं, हेना करते हैं, तो आप पाउडर उसमें काम में ले सकते हैं, वरना आप पाउडर वैसे भी रूटीन में पानी के साथ में 1 चम्मच ले सकते हैं। आंवला बहुत ही फायदेमंद होता है, ये पेट के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आंवला किसी भी रूप में हो हमें खाना चाहिए, इसलिए हम इस पार्ट को फेंकेंगे नहीं। अब हमें आंवलों में चीनी डालनी है। हम यहाँ पे 700 ग्राम के आसपास चीनी लेंगे। क्योंकि कैंडी बना रहे हैं, कैंडी का मतलब मीठा और आंवला कैंडी है तो मीठी ही अच्छी लगती है, इसलिए हमने 700 ग्राम चीनी ली है। आंवलों को चीनी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसकी जगह कोई बड़ा बर्तन लेना चाहते हैं, अगर आपके पास प्लास्टिक का टब है या कोई बड़ा डब्बा है तो आप वो भी यूज में ले सकते हैं, ताकि आंवले जो हैं बहुत आसानी से और फटाफट से तैयार हो जाएंगे। आप यहाँ पे आंवले की कैंडी तैयार करने के लिए स्टील का बर्तन यूज में ना लें, क्योंकि स्टील के बर्तन में अक्सर छेद हो जाते हैं। आंवला खटाई है और खटाई स्टील के बर्तनों को नुकसान पहुंचाती है, उससे दाग भी लग जाते हैं और छेद भी हो जाते हैं। देखिए मैंने आंवलों के अंदर चीनी अच्छी तरह से मिक्स कर दी है।
सारी चीनी हमने ऊपर नीचे तक मिक्स कर दी है और बिल्कुल आहिस्ता से करिए, हमारी एक भी कली टूटी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, चीनी और आंवला हमारा मिक्स हो गया है। अभी चीनी के दाने हैं, चीनी को गलने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम आंवले की कैंडी को इस तरह से ढक के रख देंगे और दो तीन दिन हमें इसको इसी तरह से रखना है ताकि जो चीनी है वो आंवले में बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और जो हमारी कैंडी तैयार होगी वो अंदर तक जूसी और मीठी हो जाएगी। इसलिए हम आंवले को दो तीन दिन इस तरह से ढक करके रखेंगे। आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। मैंने यहाँ इसको प्लेट से कवर कर दिया है। 24 घंटे हो चुके हैं। देखिए चीनी कितने अच्छे से घुल चुकी है आंवलों के साथ में, एकदम अच्छे से जूस तैयार हो गया है। देखिए एकदम शरबत तैयार हो गया है चीनी का। अब हम इनको इस तरह से दबा देंगे आंवलों को और इसको दो दिन अभी और हमें इस तरह से ही रखना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे इलायची का पाउडर डालना चाहते हैं, फूड कलर डालना चाहते हैं, केसर की पत्ती डालना चाहते हैं, काला नमक या काली मिर्ची जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि जो चीनी का पानी हुआ है इसमें सभी चीज बहुत अच्छी तरह से घुल जाएंगी और आंवलों में उनका टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। बहुत बढ़िया से हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार होगी। देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। देखिए इस तरह से आंवलों को दबा देंगे और दो दिन के लिए ढक के रख देंगे। तीन दिन कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए हमारे आंवले कितने बढ़िया से तैयार हुए हैं, एकदम व्हाइट हो गए हैं और अंदर तक जूसी हो गए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आंवला टाइट है अभी और जूसी नहीं हुआ है तो आप इसको एक दिन और भी रख सकते हैं। अब हम कैंडी बनाने के लिए आंवले को किसी प्लास्टिक की प्लेट में या टब में निकाल लेंगे ताकि जो हमारी कैंडी है वो तैयार हो जाए। देखिए इस तरह से हम आंवले को प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा दूर दूर कर देंगे ताकि ये एक और दो दिन में सूख जाए। इसको तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमने सारे आंवले को जो हम कैंडी तैयार कर रहे हैं सारे पीसेस को प्लेट में निकाल दिए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आंवले की कैंडी की और बहुत जल्दी से हमारी कैंडी तैयार होने वाली है। आंवले में जो शुगर सिरप था अगर आप चाहें तो उसको आंवले के साथ ही डाल दें ताकि वो सूख जाएगा और आंवले पे चीनी चिपक जाएगी, वरना आप इसको किसी भी कांच की बॉटल में स्टोर करके रख लें और गर्मियों में इसको आंवले के शरबत के रूप में काम में ले लें नींबू और काला नमक डाल करके। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप आंवला कैंडी को छाया में भी तैयार कर सकते हैं और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको एक दिन के लिए धूप में रख लें। कितने बढ़िया से हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हुई है, देखिए आपको पास से दिखाते हैं। एकदम अच्छे से सूख चुकी है और कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हुई है। हमारी आंवला कैंडी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको साल भर के लिए स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आंवला कैंडी के ऊपर पाउडर शुगर भी लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाई है क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आंवला कैंडी की रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।